नमस्कार, मीडिया टेक्सो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शाओमी ब्रांड का ईमी लैब EC3 आउटडोर सिक्योरिटी कैमरा का, ये सिक्योरिटी कैमरा जो एन सीरीज का लेटेस्ट मॉडल है, ये आपको इंडिया में मौजूद नहीं है। इसे आपको Alibaba.com या Banggood.com से परचेज करना होगा। मैंने इसे तकरीबन 5,000 में Alibaba.com से परचेज किया था। पिछले साल मैंने इसे परचेज किया था, मेरे पास पहुँचते पहुँचते तकरीबन काफ़ी लेट हो गया। तो आइए इसको जानते हैं। यह है इसका वॉल माउंट ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट के आगे में रहा इसका नोब। ये नोब के बाद ये जो कटिंग लाइनिंग दिख रहा है, ये इसका स्पीकर है। स्पीकर के आगे इसमें जो माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर ही रीसेट बटन है, आगे देखेंगे कैसे। और ये रहा इसका ड्यूअल एंटीना, और ये रहा इसका LED लाइट इंडिकेटर, और ये कैमरा लेंस, और इसके ऊपर माइक्रोफोन, और ये रहा इसका इथरनेट पोर्ट जिसमें आप इथरनेट केबल लगा सकते हैं, और ये पावर सोर्स के लिए इसमें एडाप्टर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने पिछले साल परचेज किया था, और कुछ ये मेरे पास आते आते लेट हो गई, और कुछ मुझे वीडियो बनाते बनाते लेट हो गई। लेकिन खुशी की बात ये है कि अब ये इस साल आप इसका ग्लोबल वर्सन यानी इंग्लिश में भी ये सपोर्ट होने वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो इस साल अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसे परचेज करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसी का लिंक डालूंगा। और इसमें और ये ग्लोबल वर्जन, मतलब ये चाइनीज वर्जन ग्लोबल वर्जन में कोई विशेष फर्क नहीं है, बस एक लैंग्वेज का फर्क है। और चाइनीज वर्जन होने के कारण क्या है, कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो ग्लोबल वर्जन इंग्लिश में होगा वो कनेक्टिविटी में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देगा। और बाकी कुछ विशेष फर्क नहीं है, माइनर डिफरेंस जो है दोनों में यही है। तो आप इस वीडियो का लुत्फ़ उठाएं, और जो ग्लोबल वर्जन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके द्वारा आप परचेज कर सकते हैं। और निकट भविष्य में ये इंडिया में भी लॉन्च होगा, क्योंकि इंडिया में जो तीन कैमरे, इंडोर कैमरे, नॉट आउटडोर कैमरे, इंडोर कैमरे जो अवेलेबल हैं, उसका सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे जो ब्रांड हैं, एक विजन या टीपी लिंक या और भी जो दूसरे छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांड हैं, उनसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला MI का कैमरा होता है। तो जब इंडोर का इतना ज़्यादा डिमांड है, तो आप यकीन मानिए ये आउटडोर का भी डिमांड उतना ही होगा। ये देखिए, इसके बॉक्स के अंदर जो स्क्रू ड्राइवर मिला है, और ये यूजर मैनुअल जो चाइनीज भाषा में है, लेकिन आप जो ग्लोबल वर्जन खरीदेंगे तो उसमें इंग्लिश में रहेगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये कुछ एक्सेसरीज इसके पैकेट के अंदर मिले हैं मुझे। तो ये देखिए, वॉल माउंट के लिए स्टिकर है, और ये इसके छोटे छोटे स्क्रू हैं जो वॉल माउंट में काम आएंगे, और स्टड्स हैं। और ये जो स्टिकर हैं, वो जो लैन इथरनेट केबल है उसे वाटरप्रूफ बनाने में हेल्प करेगा। और ये एक्सेसरीज आगे कैसे यूज होगा, तो देखेंगे इस वीडियो में। गाइस, किसी भी आउटडोर कैमरे की सबसे खास बात होती है उसका वाटरप्रूफ होना, और ये IP66 है, तो ये वाटरप्रूफ है। इसमें ये जो एक्सेसरी है, ये एक्सेसरीज आपको आगे कैसे वाटरप्रूफ इसको बनाने में मदद करेगा, वो आगे देखेंगे। और ये रहा इसका पावर एडाप्टर। ये पावर एडाप्टर जो है इंडियन सॉकेट के हिसाब से सुटेबल नहीं है, लेकिन आप जो ग्लोबल वर्सन परचेज करेंगे उसमें ये पावर एडाप्टर कुछ अलग तरह का रहेगा, और वो आसानी से इंडियन सॉकेट में फिट आ जाएगा। और ये जो है 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर है, और इसके वायर की लंबाई जो है तकरीबन 3 मीटर है। दोस्तों, ये ABS प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ बहुत ही शानदार आउटडोर कैमरा है, जो गन शेप की तरह है, मतलब गन शेप डिजाइन की तरह है, और गन शेप डिजाइन वाला कैमरा देखने में बहुत ही शानदार दिखता है। और ऐसे भी जब इसमें MI ब्रांड का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो वो कुछ अलग सा दिखेगा ही, और क्वालिटी वाइज भी वो बहुत शानदार होता है। क्योंकि इसके पहले जो भी इंडिया में लॉन्च हुए कैमरे हैं, इंडोर कैमरे ही सही, तो वो देखने में भी अच्छे हैं, और उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों काफ़ी बेहतरीन है। और ये जो वॉल माउंट ब्रैकेट है, इसको स्टिकर जहाँ भी यूज करना होगा स्टिकर लगा के, और वहाँ पे ड्रिल द्वारा होल करके इसको फिट कर सकते हैं। और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं, और इस वीडियो को देख के आसानी से आप इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। दोस्तों, इसके मेन फीचर की बात करें, तो इसमें PTG यानी पैन टिल्ट जूम टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। यानी आप बड़े से बड़े एरिया को अलग अलग एंगल में जूम करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी इस कैमरे द्वारा जो 270 डिग्री हॉरिजॉन्टल, मतलब 270 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल आप वॉच करते हैं अपने कैमरे, CCTV कैमरे द्वारा, तो उसको अलग अलग एंगल में PTG द्वारा और बढ़िया तरीके से जूम करके आप उसे देख सकते हैं। गाइस, इसे मैं प्लाईवुड पर टेम्पोरी लगा रहा हूँ,
ताकि आपको बता सकूं कि किस तरह आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। और आप चाहें तो इसे आउटडोर, इंडोर, फार्म हाउस, गार्डन या वॉल माउंट करके कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके रिसेट जो कवर है उस पर रबर का कोटिंग किया गया है, जिससे पानी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और ये जो ऊपर वाला होल है वो रिसेट होल है, जिसमें आप 3 सेकंड के लिए किसी पिन से पुश करके रिसेट कर सकते हैं, और इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। आप टेम्प्रोरी इसको इस प्रकार लैन कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट आप इसको कनेक्ट करने के लिए आउटडोर अगर चाहते हैं तो इस एक्सेसरी का हेल्प ले सकते हैं, जिसके द्वारा ये वाटरप्रूफ सील हो जाएगा। यानी आप इसको अगर लगा देते हैं तो ये पानी वगैरह, बारिश वगैरह में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और दोस्तों, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। इसको आप मीजिया ऐप या MI का जो MI होम ऐप है, उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल का GPS और ब्लूटूथ ऑन करेंगे, और प्लस बटन पे, ऐड करने वाले बटन पे टैप करने के बाद ये ऑटो सर्च में चला जाएगा। और सर्च करने के बाद जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरह का जो भी कैमरा होगा वो आ जाएगा, या आप जो कैमरा है आपके कंट्री में उस कैमरे को जाकर टैप करेंगे तो भी वो उस तरीके से भी वो स्कैन करके आ जाएगा, और उसको आप स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें 3 जो कैमरे को दिखाया जा रहा है, जिसमें एक वीडियो कैमरा 2 और वीडियो कैमरा और डोर कैमरा दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर में है वीडियो कैमरा 2, यानी वीडियो कैमरा 2 जिसका आज हम अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं। और उसके नीचे जो वीडियो कैमरा है, जिसको देखिए, ये लार्जेस्ट सेलिंग होने वाला इंडोर कैमरा है इंडिया में। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, इसको आप गूगल में सर्च कीजिए या अमेजोन पे सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए, जहाँ भी ये दोनों प्रोडक्ट जो इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में से 3 कैमरे अवेलेबल हैं MI के, लेकिन तीनों के तीनों जो है इंडोर कैमरे हैं। तो इन कैमरों में आप जो क्वालिटी पाते हैं उससे काफ़ी बेटर आउटडोर क्वालिटी आप इस जो इंपोर्ट किए हुए कैमरे में मिल जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंडोर कैमरे में मौजूद नहीं है, खास करके वाटरप्रूफ और सायरन वाला फीचर, वो चीज़ इंडोर कैमरा में नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया है। आप देखिए इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे देखिए कैमरा का सेटिंग, इसमें देखिए स्टेटस लाइट, ये आपको इंडियन इंडोर कैमरा में मिल जाएगा। स्टेटस लाइट आप यहाँ सेट कर सकते हैं, और डाटा का वार्निंग आप सेट कर सकते हैं, स्लीपिंग मोड सेट कर सकते हैं, वो इंडियन कैमरे में भी मौजूद है। आप उसको टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से और डे के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये फीचर इंडियन कैमरे में मौजूद नहीं, इंडियन इंडोर कैमरे में। ये लैन कनेक्शन, यानी इसमें 2 कनेक्शन है, वाईफाई के थ्रू तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप लैन कनेक्शन द्वारा भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस होने पर क्या होता है, वाईफाई मतलब 30 मीटर के बाद वाईफाई काम नहीं करता है, उसमें आप लैन कनेक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद का हॉटस्पॉट अपना क्रिएट करता है, यानी आप उसको अगर एक को अगर लैन से कनेक्ट करते हैं तो इसके साथ 5 डिवाइस को आप हॉटस्पॉट क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें फीचर दिया गया है। और ये जो हम राउटर दिखा रहे हैं, ये टेंडा का राउटर है, इसका वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप देखें, उसमें अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें वॉइस कॉलिंग का भी फीचर मौजूद है। और ये देखिए, इसमें आप 6 की एरिया सेट कर सकते हैं, जो सेंसिटिव एरिया भी वो बना देगा। यानी देखिए, हम जो ये बैडमिंटन रैकेट है, इसको सेंसिटिव एरिया के रूप में इसको डिनोट कर रहे हैं, यानी आप किसी भी एरिया को आप हाई सिक्योर बना सकते हैं, और उसका नोटिफिकेशन आपको पुश मैसेज द्वारा भी चला जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि वो मैसेज के साथ साथ अलार्म के द्वारा भी हमको सूचित करें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप जैसे सर्विलेंस होता है, मतलब 24 घंटे के लिए और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें। और देखिए, इसका जो हम सेट किए हैं, मतलब ये जो बैडमिंटन रैकेट के सिक्योरिटी के लिए हम जो सेट किए हैं, आप उसे चाहे तो सेफ का, लॉकर का या कुछ भी कर सकते हैं, तो वो किस तरह वर्क करता है देखते हैं। इसका जो ये सायरन वाला फीचर है, ये बहुत अच्छा फीचर है और ये प्रॉपरली अच्छा वर्क करता है। हम इसके अलावा दूसरे भी कैमरे में ये फंक्शन देखे थे, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं था, वो कभी वर्क करता था कभी नहीं करता था, लेकिन इसमें हम देखे हैं कि ये हर एक टाइम वर्क किया है और अच्छा वर्क किया है, और एक्यूरेसी जो होना चाहिए वो एक्यूरेसी इसमें मिला है। और ये देखिए, इसको ऑटो मोड या HD मोड या लो जो मोड होता है, लो मोड में करके और इसको सेट कर सकते हैं। और की एरिया तो आपको बताए थे कि वो 6 की एरिया में आप इसको अलग अलग एंगल में सेट कर सकते हैं, आप अपने
औसत के हिसाब से। और ये रहा, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट को आप जो है इसका जो गैलरी है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए नीचे शॉर्टकट दिया हुआ उसमें प्रोडक्ट एल्बम फोटो एल्बम, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और उसी तरह इसमें इसके साइड में स्क्रीनशॉट के बगल में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कैमरे के सामने कुछ हरकत हो रहा है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो कहीं भी आप वर्ल्ड के किसी कोने में बैठे हैं, आप उसको ऑनलाइन आप उसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये देखिए सायरन वाला फीचर, आप इस फीचर को आप सायरन को 10 सेकंड के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये देखिए रोटेशन के लिए, ये आप 270 डिग्री पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए रिकॉर्डिंग का, आपका जो भी रिकॉर्डिंग का होगा आप यहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। और इसमें रिकॉर्डिंग के लास्ट में आपको लाइव भी मिल जाएगा, तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें जो होम का जो मॉनिटरिंग का जो मैसेज वगैरह वो आएगा, और इसके रिकॉर्डिंग का अलग अलग है। जैसे आप एक क्लिप में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो इंडिया में मौजूद जो कैमरे हैं उसमें भी ये चीज़ मौजूद है। और ये देखिए जो फुटेज है, कुछ हमने इसका फुटेज बनाया है, ये तकरीबन 5:30 बजे शाम का लिया गया फुटेज है। आप देखिए इसको बहुत ही अच्छा क्वालिटी में ये रिकॉर्ड किया गया है, और इसका क्लियरिटी काफ़ी अच्छा है। और इसे आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे शाम के तकरीबन 6-7 बजे के आसपास का ये क्लिप है। और इसमें एक नाइट कलर विजन का ऑप्शन दिया गया है जो अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब नाइट में भी ये एहसास नहीं होने देता है कि हाँ आप नाइट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो ये एक अच्छा फीचर है। और ये देखिए तकरीबन 9 बजे के आसपास का ये क्लिप है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये इसका वीडियो क्वालिटी क्लिप हो, चाहे वो डे हो या नाइट हो, इसका H265 इनकोडिंग सिस्टम इसके वीडियो क्वालिटी को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। और ये वाईफाई के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, और ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी इसमें डाला गया है इसके कारण इसका वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए इसमें वॉइस कॉलिंग फीचर है, जो वर्ल्ड के किसी कोने में आप ऑनलाइन आप कैमरा के सामने जो भी व्यक्ति मौजूद हो, कोई विजिटर या कोई भी व्यक्ति कोरियर बॉयज, तो उसे आप उसको आप बात कर सकते हैं और उसको संदेश दे सकते हैं। और इसमें और भी कुछ फंक्शन है, जैसे कैमरे को मतलब 270 डिग्री पर रोटेट करना या इसे स्लिप करना, वो कुछ इस तरह स्क्रीन में आपको दिख रहा है उस तरह बताया गया, उस आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।